मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम बलवंत सिंह। जैसे कि हमने पहले वीडियोस किए, तो अब ये वीडियो जो है आपका सेकंड चैप्टर का है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हमने पहले जो इससे किया, इसमें किया हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। व्हाट आर फाइनल गुड्स? जैसे जो कि क्रॉस बाउंड्री लाइन कर जाता है उसको हम फाइनल गुड्स को बोलते हैं और रेडी टू यूज। और जो अभी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को फर्दर जो यूज करता है कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। तो इस टाइप के हमने सारे के सारे बेसिक टर्म्स जो है वो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। अब जो इसमें है, सबसे पहले है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन, व्हाट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन, अब इसमें हमने किया था कंज्यूमर गुड्स और वी कैन से कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कौन सा है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया था ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स कौन सा है? जो सेवरल इयर्स के लिए यूज होते हैं। नॉन ड्यूरेबल, जो सिंगल यूज होता है। सेमी ड्यूरेबल, एक साल से ज्यादा के लिए यूज किया जाते हैं। और नॉन मटेरियल गुड्स या सर्विसेज जिसे बोलते हैं। उसी को फिर फर्दर डिवाइड किया गया था कैपिटल गुड्स, इसके बाद प्रोड्यूसर गुड्स। ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए हैं पिछली वीडियो में। अब इसमें क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट क्या है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है, वो खर्च है जो कि कौन करता है? कंज्यूमर करता है। अब इसमें कंज्यूमर किसको मानेंगे? कंज्यूमर इसमें कौन कौन है? हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन है, एनजीओ है। जैसे टाइप आपका हाउस होल्ड, जितने भी हाउस होल्ड मीन्स कंज्यूमर, हाउस होल्ड हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट भी कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से बोलेंगे। नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन लाइक टेम्पल हो गए, चर्च हो गए, गुरुद्वारा हो गए, मॉस्क हो गए, स्टार्ट किए, चैरिटी जितने भी प्लेसेस हैं, ये सारे के सारे क्या बोलेंगे? नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन में आ जाएंगे, एनजीओ में आ जाएंगे। तो ये भी जितना भी खर्च करेंगे वो किसमें आएगा? आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कंज्यूमर्स इसके जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके कंज्यूमर्स कौन कौन है? हाउस होल्ड हो गया, गवर्नमेंट हो गया, नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, एनजीओ। इन सबको अगर हम सम अप करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर इनका हम सम अप करते हैं, टोटल कर देते हैं, एग्रीगेट मतलब टोटल, अगर हम टोटल करते हैं सबको ऐड कर देते हैं कि कितना इन्होंने खर्च किया, जितने सब कंज्यूमर्स ने कितना खर्च किया, वो क्या कहलाएगा? एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके बाद आता है आपका कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? सिंपल अगर हम लेंगे बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मीन्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसके लिए? जो जिससे कि हमें फर्दर इनकम जनरेट हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट, इसके लिए इन्वेस्टमेंट क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल में जितना भी इंक्रीजमेंट होगा ड्यूरिंग द ईयर, उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आ जाता है? जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। इसमें मोस्टली हम प्लांट एंड मशीनरी। अब इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरी में स्टॉक, स्टॉक जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे फिनिश यूज हो गया, सेमी फिनिश हो गया या रॉ मटेरियल हो गया, इसमें जितना इंक्रीज होता है ड्यूरिंग द ईयर, उसको क्या बोलते हैं? सेमी फिनिश गुड्स या इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं? ड्यूरिंग द इंक्रीज हुआ कैसे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। कोई भी हम क्लोजिंग स्टॉक में से अगर ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देते हैं तो हमें निकल आता है इतना इंक्रीजमेंट हुआ, कि इतना इंक्रीजमेंट ड्यूरिंग द ईयर हमारा आया। अब इसमें इन्वेस्टमेंट में पहले अगर हम डिस्कस करें बिल्कुल कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से हमारा क्या बढ़ेगा? प्लांट एंड मशीनरी बढ़ेगी, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ेगी, बिल्डिंग बढ़ेगी, इस टाइप की जितनी भी चीजें वो बढ़ेगी जो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। उससे क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन बढ़ा, मीन जिससे कि कैपेसिटी बढ़ेगी किस चीज की? प्रोडक्शन की। सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इससे क्या होता है? रेज प्रोडक्शन कैपेसिटी। सबसे पहले क्या करता है? रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी मीन प्रोडक्शन जितना पहले बन रहा है उससे जो है कैपेसिटी बढ़ गई, प्रोडक्शन जो है ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो पहले सपोज दैट कोई भी चीज
ज्यादा होगा आउटपुट में प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगा। प्रोडक्शन जब ज्यादा होगा तो किस चीज का होगा, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स जीडीपी भी बढ़ेगी। तो ये सीक्वेंस चलता रहेगा, पहले प्रोडक्शन में कैपेसिटी नहीं है तो आउटपुट भी नहीं बढ़ेगा। इट मीन्स क्या, प्रोडक्शन में पास कैपेसिटी है ज्यादा तो उसको रेस कर सकते हैं, इस चीज को रेस कर सकते हैं आउटपुट को, मीन प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा इकोनॉमी में। जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उससे हमारी जीडीपी जो ग्रोथ कर जाएगा, एक्सपेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या आपका पास सिग्निफिकेंस किसका आ रहा है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब हम चलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या, किस किस चीज का इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो सकता है, रॉ मटेरियल का हो गया, सर्विस बिजनेस हो गया, फिनिश गुड्स का, ये सबका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा, मिस इंक्रीजमेंट होगा, इंक्रीजमेंट मिस जुड़ी का ईयर होगा, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल में अगर रॉ मटेरियल उनके पास पूरा प्रोड्यूसर के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उसके उन्होंने स्टॉक प्रॉपर बना रखा है, उसको डे टू डे रोज चीज के लिए जरूरत नहीं कि रोज परचेज करें फिर उसको प्रोड्यूस करें, क्योंकि उनके पास एक पूरा रॉ मटेरियल का पूरा स्टॉक है, उसी में से वो लेके और उसको फर्दर प्रोड्यूस करते रहे, तो उनको रोज रोज खरीदने की जरूरत नहीं है। अब इसी तरीके से फिनिश गुड्स, अगर उनके पास स्टॉक फिनिश गुड्स का मतलब डिमांड ज्यादा रहती है तो उसी में से सेल आउट कर देंगे, एकदम उन्हें कैपेसिटी प्रोडक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके पास अवेलेबल है स्टॉक, उसी में से वो सेल करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरीके से सेमी फिनिश का, सेमी फिनिश को फिनिश में कन्वर्ट कर देंगे और फिनिश गुड्स ऑलरेडी उनके पास होगा तो अगर फर्दर डिमांड आती है तो उसको उसमें से सेल आउट कर देंगे। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या, फिनिश गुड्स हो गया, सेमी फिनिश हो गया, और सिग्निफिकेंस क्या, रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल है तो रॉ मटेरियल के बाद उनको रोज रोज की जरूरत नहीं है परचेज करने, उससे वो बचे रहेंगे। अब यह आपका हो गया पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आपका क्लियर हो गया एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, अब हम चलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का, ग्रॉस में और नेट में डिफरेंस किस चीज का, हमारा डेप्रिसिएशन का, क्योंकि अगर ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं देन वी विल गेट नेट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिससे कि हमें रिप्लेस, जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया, फिक्स इन्वेस्टमेंट किया, उसमें हमारा जो पहले की रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, जो पहले के हमारे पास सपोज दैट मशीनरी या प्लांट है उसको जो हमने रिप्लेस कर रहे हैं वो भी उसमें इंक्लूड होगा। सपोज दैट पहले हमारे पास 10 मशीन थी, ठीक है, 10 मशीन में आप कितनी हो गई, 12 हो गई, ठीक है 12 हो गई, बट उसमें जो 10 थी पहले 10 में से रिप्लेस की गई है, तो रिप्लेस जो करेंगे वो इसमें ग्रॉस में इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जो नेट इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है कि जितने भी न्यू प्लांट मशीनरी आ रही है वो इंक्लूड करेंगे, वो खाली किसका आएगा आपका नेट इन्वेस्टमेंट में, इसमें जो रिप्लेस हो रहा है, जो पहले की मशीन अपडेटेड हो गई है, जो हमने पहले से लगा रखी थी उनकी वर्किंग लाइफ भी हो गई है, अगर उसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, क्योंकि वो रिजर्व फंड से आ गया पैसा, उसको रिप्लेस कर दिया। लेकिन जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, पूरे का पूरा नया है, तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई भी ग्रॉस का नहीं है। तो अगर इसको इस तरीके से क्वेश्चन लिखे तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, या नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, नेट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें आप दोनों समझेगा कि ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है, ग्रॉस में यही है कि ग्रॉस में जितना भी मशीनरी ओल्ड हमने रिप्लेस की है वो भी इंक्लूड होगी, लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट में जो नई मशीनरी आ रही है वो सिर्फ इसमें इंक्लूड की जा रही है, जो रिप्लेस की है वो इसमें इंक्लूड नहीं की जा रही। अब इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, सिग्निफिकेंस नेट इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि हर स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज एबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर। अब जितना नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नेट इन्वेस्टमेंट में जितनी न्यू मशीनरी आएगी उससे क्या होगा, स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा, लेबर के हिसाब से पर यूनिट ऑफ लेबर के हिसाब से अवेलेबिलिटी कैपिटल की बढ़ जाएगी। सपोज दैट पहले 10 आदमियों के लिए एक मशीन थी, अगर मशीन 2 हो गई तो लेबर अगर 10 ही है तो मशीन कितनी हो गई, 2, तो मीन्स अब कितनी आ रही, 5 लोगों पे एक मशीन आ रही, तो मीन्स अगर बढ़ेगी पर यूनिट ऑफ लेबर मशीन बढ़ेगी या इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा, तो उससे उनका कैपेसिटी भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, जनरेट होगी एम्प्लॉयमेंट, फर्दर क्या जनरेट होगा, जितना कैपिटल लगेगा, जितना इन्वेस्टमेंट होगा
बढ़ेगा, मींस अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। अब जितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन होगा, जितना आउटपुट होगा, उससे क्या होगा, जीडीपी जो ग्रोथ है वो एक्सेलरेट होगी, जीडीपी भी बढ़ेगी। तो इसमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्लियर कर दिया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ओल्ड वाली मशीन क्या आ जाएगी, जो हमने रिप्लेस की है उसको हटा के नहीं आएंगे उसकी जगह पे, वो ग्रॉस में आ जाएगा, नेट में तो न्यू आएंगे। तो जितना नेट इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट होता है वो क्या आता है, कैपिटल फॉर्मेशन उससे ज्यादा होती है, पर लेबर के साथ उसमें यूनिट ज्यादा आती है और अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की ज्यादा, जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी एक्सेलरेट होती है, जीडीपी भी बढ़ती है। फिर एक कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन क्या है, जैसे हमने 11th ग्रेड अकाउंट्स पे हमने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वियर एंड टियर, वियर एंड टियर नॉर्मल वियर एंड टियर का, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर के अकॉर्डिंग आपका डेप्रिसिएशन लगता है, किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट्स पे, जितनी मशीनरी प्लांट वगैरह मशीनरी है उस पे क्या होता है आपका डेप्रिसिएशन लग जाता है, तो मींस उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। और किसकी वजह से होती है, एक्सीडेंटल डैमेजेस जैसे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब ग्रॉस और नेट में जैसे हमने डिफरेंस निकाला वो किस चीज का, डेप्रिसिएशन। तो जो भी हम मशीनरी यूज कर रहे हैं, जो आज जिसका रेट 1 साल बाद उसका वो रेट नहीं रहा, उसका प्राइस नहीं रहा, क्योंकि वो उतनी चीज यूज हो गई, उसका उतना डेप्रिसिएशन लग गया, जितने वर्किंग लाइफ है उतनी वो कम हो गया उसके ऊपर, पर ईयर के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग हुआ नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर में जो उसमें यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। और एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सीडेंटेज में क्या हो सकता है, आपका एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो गई है मान लो, या आउटडेटेड हो गया है, इस टाइप का जितनी भी चीजें अगर वो आ रही है तो वो किस में आएगा आपका, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अब ये डेप्रिसिएशन हमने जो क्लियर किया, डेप्रिसिएशन को और क्या क्या बोलते हैं, हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोलते हैं, डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको जो रिप्लेस करते हैं वो क्या किस में आ जाता है आपका डेप्रिसिएशन में। जैसे हमने यहाँ पे किया था ग्रॉस और नेट में, ग्रॉस में से अगर हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट माइनस करते तो हमें नेट डेप्रिसिएशन जो है वो और नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है, डेप्रिसिएशन को हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब इसके सिग्निफिकेंसेस क्या क्या, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, सिग्निफिकेंस डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डेप्रिसिएशन क्या है, रिजर्व फंड में एक हम रिजर्व बनाएंगे इसके लिए टू रिप्लेस द मशीन आफ्टर अ लाइफ, उसकी जितनी वर्किंग लाइफ होगी उसको हम रिप्लेस करने के लिए जो बनाते हैं फंड उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। सपोज दैट हमने 10% लगाया तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, मान लो 1 लाख की मशीन हमने खरीदी, ठीक है 1 लाख की खरीदी, 1 लाख में अगर हम उसमें 10% भी डर लगा रहे हैं तो कितना हुआ, 10,000। तो आफ्टर अगर हम 10,000 हर बार किस में डालेंगे, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डालेंगे, तो आफ्टर 10 ईयर्स ये कितना लगा हमारा फंड में फिर से 1 लाख। तो जो भी हमें रिप्लेस करते मशीन वो इजिली हम उसमें से कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में से पैसा निकालते हैं उसका डाल सकते हैं। फिर एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस और अनएक्सपेक्टेड में क्या डिफरेंस है, एक्सपेक्टेड में जो प्रोड्यूसर को पता है अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंसेस कि इतनी इसकी वर्किंग लाइफ है, इतने टाइम में ये जो है खत्म हो जाएगी मशीन या इसकी वर्किंग लाइफ हो जाएगी, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, एक तो ये हो गया। और अनएक्सपेक्टेड क्या है, जिसका पता ही नहीं, कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती है, कैजुअलिटी हो जाती है, आग लग जाती है, फ्लड आ जाता है, वो मशीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो एक्सपेक्टेड के लिए तो हम क्या बनाते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना लेते हैं, उसकी भरपाई जो है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से पूरी हो जाएगी आफ्टर 10 ईयर्स या आफ्टर 20 ईयर्स या जितने भी है, उसमें से हम पैसा निकाल के न्यू मशीन जो है वो निकाल सकते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, अनएक्सपेक्टेड को क्या बोलते हैं, इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। तो जब कैपिटल लॉस हो जाता है, कैपिटल लॉस कहां से पूरा हो जाता है, कैपिटल लॉस पे काम पूरा होगा इंश्योरेंस कंपनी से। अगर कोई नेचुरल कैलोमिटीज आ जाती है या कोई बाढ़ आ जाती है, इस टाइप की कोई उसमें हो जाता है, आग लग जाती है, तो उसका जो लॉस होगा उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल लॉस। तो ये जो प्रोड्यूसर ये कहां से पूरा करेगा, इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये हमने सारे के सारे टॉपिक डिस्कस किए कि कितना कितना हो गया। अब इसमें वीडियो में आपने ये सारा डिस्कस किया, इससे पहले वाले वीडियो देख ली, अब आप इसके नोट बना के इसको आप अच्छे से कर लेंगे और इसको जितनी भी अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। ओके, थैंक यू।